हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल राउंड लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1564 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एन एक्टर। वह एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोएट थे और एक एक्टर थे। द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स प्री इमिनियंट ड्रामेटिस्ट। वह वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट राइटर और ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ अवॉर्न, और उन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट और बार्ड ऑफ अवॉर्न भी कहा जाता है। यहाँ बार्ड का मतलब है कवि। आइए उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। William Shakespeare was born and raised in Stratford-upon-Avon, Warwickshire. William Shakespeare का जन्म Stratford-upon में हुआ था, वहीं वो पले बड़े थे। William Shakespeare was the son of John Shakespeare, an alderman and a successful glove maker, originally from Sneaterfield in Warwickshire, and Mary Arden, the daughter of an affluent land-owning family. He was the third of 8 children and the eldest serving son. शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर के बेटे थे, जो कि एक आल्डरमैन थे और एक सफल ग्लोव मेकर भी थे। ओरिजिनली वे स्नीटरफील्ड से बिलोंग करते थे। शेक्सपियर की मॉम मैरी आर्डन थी, जो कि डॉटर ऑफ फ्लुएंट लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। वो अपने 8 भाई बहनों में तीसरे थे और जीवित सबसे बड़े, यानी कि उनके बड़े भाई बहनों की मृत्यु हो चुकी थी। His extant works, including collaboration, consist of some 39 plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems, a few other verses, some of uncertain authorship. Shakespeare ने अपने life में total approx, including collaboration, 39 plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems और कुछ verses लिखी थी, जो कि किसी अज्ञात रूप में लिखी गई थी। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन 1589 एंड 1613। हिज अर्ली प्लेज वेयर प्राइमरली कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज एंड आर रिगार्डेड एज सम ऑफ द बेस्ट वर्क्स प्रोड्यूस्ड इन दीज जॉनर्स। ही रोट मेनली ट्रेजेडीज अंटिल 1608, अमॉन्ग देम हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, all considered to be among the finest works in the English language. In the last phase of his life, he wrote tragic comedies, also known as romances, and collaborated with other playwrights. Shakespeare के कई works 1589 से 1613 में produce कराए गए थे। उनके शुरुआती plays comedies और histories plays थे, और वो उनके कुछ शानदार works में से एक हैं। उसके बाद 1608 तक उन्होंने ट्रेजेडीज प्लेज लिखे, जिनमें हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये सब उनके शानदार प्लेज माने जाते हैं। अपने आखिरी सालों में उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडीज यानी कि रोमांस लिखी थी। In 1623, his friends published a more definitive text known as the First Folio, a posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic works that included all but two of his plays. Its preface was a prescient poem by Ben Jonson that hailed Shakespeare's with the now famous epithet, not of an age but for all time. 1623 में उनके फ्रेंड्स ने फर्स्ट फोलियो नाम से एक टेक्स्ट पब्लिश कराई, जिनमें उनके सारे ड्रामेटिक वर्क्स शामिल थे, सिर्फ दो को छोड़कर। उनके प्रीफेस, उस बुक के प्रीफेस बेन जॉनसन ने पोएम लिखी थी, जो आज के वक्त में शेक्सपियर के लिए बोली जाने वाले लाइंस में प्रसिद्ध है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम। The early plays were influenced by the works of other Elizabethan dramatists, especially Thomas Kyd and Christopher Marlowe, by the tradition of medieval drama and the plays of Seneca. उनके शुरुआती plays Elizabethan era के प्रसिद्ध अलग writers से प्रेरित हैं, खास तौर पर Thomas Kyd और Christopher Marlowe, और
ट्रेडिशन ऑफ मेडाइवल ड्रामा से भी और कुछ प्लेज सेनिका से। शेक्सपियर इन्फ्लुएंस्ड नॉवेलिस्ट सच एज थॉमस हार्डी, विलियम फॉकनर एंड चार्ल्स डिकेंस। शेक्सपियर बहुत सारे राइटर्स के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के पात्र बने हैं, जिनमें से थॉमस हार्डी, विलियम फॉकनर और चार्ल्स डिकेंस उनमें से एक है। द अमेरिकन नॉवेलिस्ट हरमन मेलविल्स सोलिलोक्विज वन मच टू शेक्सपियर। हिज कैप्टन अहब इन मोरेडिक इज अ क्लासिक ट्रेजिक हीरो इंस्पायर्ड बाई किंग लियर। शेक्सपियर हैज ऑल्सो इंस्पायर्ड मेनी पेंटर्स इंक्लूडिंग द रोमांटिक्स एंड द प्री रेफेलाइट्स। अमेरिकी नॉवेलिस्ट हरमन मेलविल के सोलिलोक्विज शेक्सपियर के वर्क से बहुत प्रेरित है। उनके कैप्टन अहब जो कि एक कैरेक्टर है मोरेडिक में, जो कि एक ट्रेजिक हीरो का किरदार है, वो शेक्सपियर के किंग लेयर से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। शेक्सपियर ने बहुत सारे चित्रकारों को भी प्रेरित किया है, इंक्लूडिंग रोमांटिक्स एंड प्री रेफेलाइट्स। चलिए उनके सोनेट्स के बारे में बात करते हैं। Published in 1609, the sonnets were the last of Shakespeare's non-dramatic works to be printed. Shakespeare के सोनेट्स उनके non-dramatic works के कुछ आखिरी माने जाते हैं, जो कि published कराए गए थे 1609 में। Shakespeare's standard poetic form was blank verse composed in iambic pentameter. Shakespeare के जो पोइटिक फॉर्म थी, जो पोइटिक स्टाइल थी, वो ब्लैंक वर्स थी, जो कि इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। 154 सोनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड ऑल टुगेदर इन अ क्वार्टो इन 1609। 154 पहले 154 सोनेट्स पब्लिश हुए थे एक साथ 1609 में क्वार्टो में। The sonnets come such themes as the passage of time, love, infidelity, jealousy, beauty, and morality. The first 126 are addressed to a young man, W.H. The last 28 are either addressed to or refer to a woman, Dark Lady. Unke sonnets ke theme, passage of time, love, infidelity, jealousy, poet, beauty, and morality hote the. माना जाता है उनके पहले 126 सोनेट्स किसी यंग मैन WH को आधारित या एड्रेस करके लिखे गए थे, और आखिरी 28 किसी डार्क लेडी को एड्रेस करके लिखा हुआ था। द राइम स्कीम इज ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी। सोनेट्स यूजिंग दिस स्कीम्स आर नोन एज शेक्सपीरियन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट्स और एलिजाबेथन सोनेट्स। राइम स्कीम शेक्सपियर की ए बी ए बी सी डी ई एफ जी जी थे, और जो भी सोनेट्स इस स्कीम पर लिखे जाते थे या आधारित होते थे, उन्हें शेक्सपियरियन सोनेट्स और एलिजाबेथन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट्स कहा जाता है। उनके लिखी कई सोनेट्स में से एक सोनेट 18, जिसकी दो लाइन्स बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, शैल आई कंपेयर Thy to a summer's day, thou art more lovely and more temperature. चलिए उनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। शेक्सपियर्स वर्क्स इंक्लूड द 36 प्लेज प्रिंटेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623, लिस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर फोलियो क्लासिफिकेशन एज कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। शेक्सपियर के 36 प्लेस फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराए गए थे 1623 में, जो कि जिनका क्लासिफिकेशन कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और ट्रेजिडीज के अकॉर्डिंग किया गया है। द टू प्लेस नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, द टू नॉवल किंग्समैन एंड पेरिकल्स Prince of Tyre are now accepted as part of the canon. No Shakespeare's poems were included in the first folio. जो दो plays folio में included नहीं है, शामिल नहीं है, वो है Pericles, Prince of Tyre and the two novel Kinsmen, and now accepted as the part of canon. Shakespeare की कोई भी कविता first folio में शामिल नहीं है।
The chronological listing of the composition of the plays of William Shakespeare are the chronology presented by E.K. Chambers in 1930. विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई प्लेस को उनके लिखे गए समय के अनुसार यानी उनके प्लेस को किए गए समय के अनुसार प्रेजेंट किया गया है, जो कि प्रेजेंट किया है ई के चेम्बर ने 1930। तो हेनरी सिक्स पार्ट टू 1590 से 1591 में प्ले को कंपोज किया गया है। हेनरी सिक्स पार्ट थ्री 1590 से 1591, हेनरी सिक्स पार्ट वन 1591 से 1592 के बीच प्ले को कंपोज किया गया है। रिचर्ड थर्ड 1592 से 1593, द कॉमेडी ऑफ एरर 1592 से 1593 के बीच में प्ले को कंपोज किया गया। टाइटस एंड्रोनिकस 1593 से 1594 में किया गया। द टेमिंग ऑफ द शिव 1593 से 1594 के बीच में कंपोज किया गया है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1594 से 1595 के बीच में किया गया है कंपोज। लव्स लेबल्स लॉस्ट 1594 से 1595 के बीच में कंपोज किया गया है। रोमियो एंड जूलियट 1594 और 1595 के बीच में प्ले को कंपोज किया गया है। रिचर्ड सेकेंड 1595 से 1596 के बीच में कंपोज किया गया है। अस मिड समर नाइट्स ड्रीम्स 1595 और 1596 के बीच में प्ले को कंपोज किया गया है। किंग जॉन 1596 से 1597, द मर्चेंट ऑफ विंगनस 1596 से 1597 के बीच में कंपोज कराया गया। हेनरी फोर्थ पार्ट वन 1597 से 1598 के बीच में कराया गया है प्ले को। हेनरी फोर्थ पार्ट टू 1597 और 1598 के बीच में कंपोज कराया गया। मच अडो अबाउट नथिंग 1598 और 1599 के बीच में प्ले को कंपोज कराया गया। हेनरी फिफ्थ 1598 और 1599 के बीच में कंपोज कराया गया। जूलियस सीजर 1599 और 1600 के बीच में कराया गया है कंपोज। एज यू लाइक इट 1599 और 1600 के बीच में कंपोज कराया गया। ट्वेल्थ नाइट 1599 और 1600 के बीच में कराया गया है। हैमलेट 1600 और 1601 के बीच में कराया गया है। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1600 और 1601 के बीच में कराया गया है प्ले को कंपोज। ट्रॉयलस एंड प्रेसीडा 1601 और 1602 के बीच में लगाया गया। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1602 और 1603 में हुआ है प्ले। मेजर फॉर मेजर 1604 और 1605 के बीच में हुआ है। ओथेलो 1604 और 1605 के बीच में प्ले हुआ है। सिक्सटीन लियर 1605 और 1606 के बीच में कराया गया है कंपोज। मैकबेथ 1605 और 1606 के बीच में कराया गया है कंपोज। एंथनी एंड क्लियोपात्रा 1606 और 1607 के बीच में कराया गया है। कोरियोलेनस 1607 और 1608 के बीच में कराया गया है। टिमन ऑफ एथेंस 1607 और 1608 के बीच में कराया गया है। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर 1608 और 1609 के बीच में कराया गया है कंपोज। सिम्बलिंग 1609 और 1610 के बीच में कराया गया है। द विंटर्स टेल 1610 और 1611 के बीच में कराया गया है। द टेम्पेस्ट 1611 और 1612 के बीच में कराया गया है कंपोज। हेनरी एट 1612 और 1613 के बीच में कराया गया। एंड द लास्ट द टू नोबल किंग्समैन 1612 और 1613 के बीच में कराया गया है कंपोज। एंड दैट्स ऑल। ये थे सारे विलियम शेक्सपियर के प्लेज इम्पॉर्टेंट। एंड थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। Thank you so much.